में चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट के नाइन्थ चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दीज आर द शॉर्ट वीडियोस विच कैन हेल्प यू टू गेट अ कंप्लीट जिस्ट ऑफ द चैप्टर एज वेल एज वी कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, बोथ फ्रॉम द थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव एंड येस डेफिनेटली वी कवर फ्यू ऑफ द थिंग्स फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव। सो अगर हम नाइन्थ चैप्टर की बात करें, सो इट्स ऑल अबाउट द मार्केट एंड इट्स स्ट्रक्चर, राइट। अभी तक हमने डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, बेनिफिट्स, इक्विलिब्रियम सब पे काम डिस्कस किया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट, राइट। मार्केट इज बेसिकली, अगर लेमन टर्म्स में बात करें तो मार्केट क्या है? इट्स सिंपली अ फिजिकल लोकेशन वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस। इकोनॉमिक मार्केट में आपके बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उनके बीच में सर्टेन ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट। सो मार्केट में आपके दो बेसिस रहते हैं कि वन इज द ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स डिस्पर्स होके किसी एक रीजन में दे आर जस्ट डूइंग ट्रांजेक्शन, एंड सेकेंड इज अ कॉम्पिटिशन। सो कॉम्पिटिशन इज वेन देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ सेलर्स, मे बी लार्ज और मे बी स्मॉल, एंड बेस्ड ऑन दैट द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्म्स द कॉम्पिटिशन, राइट। कम सेलर्स हैं देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, या इनपरफेक्ट है, लार्ज सेलर्स हैं तो परफेक्ट इनपरफेक्ट है, सेलर्स कस्टमर्स कितने हैं, तो उसके बेसिस पे हम एक मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, राइट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स का है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स इट मे कम एज अ कम्प्लीट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सो जस्ट रीड इट वंस। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट वेयर द वेरियस फर्म्स आर सेलिंग द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर वेल अवेयर ऑफ द प्राइसेस। इट्स वेरी सिंपल, आप फ्रूट मंडी में या कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको सेम एप्पल्स जो है सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आपको अलग अलग जगह मिलेंगे, कोई 40 का देगा, 50 का देगा, 60 का देगा, एंड यू आर वेल अवेयर कि यार अच्छा ठीक है इसका प्राइस नॉर्मली 50 रुपीज रहता है, 40 मीन्स लोअर क्वालिटी है, 50 इज अ गुड क्वालिटी। इट्स ऑल अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसके कुछ एक फीचर्स है, फीचर्स पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं, लाइक जैसे आएगा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स वो क्या होता है, इट्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन, रिलेटिव कॉम्पिटिशन, इनपरफेक्ट और इन रिलेटिव समथिंग लाइक दैट। तो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर के परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, राइट। इट्स अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, मीन सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फोर्थ वन इज द परफेक्ट नॉलेज, फर्म इज द प्राइस टेकर, ठीक है। फर्म इज द प्राइस टेकर मीन्स फर्म इज द इन विच इट डिसाइडेड बाय द मार्केट एंड अ सिंगल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। ऑब्वियसली कोई एक बंदा नहीं है जो डिसाइड करेगा कि अच्छा मैं एप्पल बेच रहा हूँ 100 रुपीज के बेच रहा हूँ तो पूरी मार्केट में 100 के बिकेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। सो फर्म इज द प्राइस टेकर, नॉट द प्राइस गिवर, राइट। एंड डिमांड कर्व इज डिमांड कर्व इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज लाइक बुक में एक आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें इट्स अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड। So that's one thing. And the non-government, no government intervention. इसमें government का कोई involvement नहीं रहता। So these are the few characteristics जिसमें most important आपका entry exit वाला है। Entry exit इसकी easy है and number of buyer sellers इसमें large रहते हैं। And firm is the price taker, right? Firm is price taker. Next is the imperfect competition, जहाँ पे आपके large number of sellers हैं, that are selling heterogeneous type of products. Sellers बहुत सारे हैं, but जो products है वो heterogeneous है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। द वन इज द मोनोपोलिस्टिक एंड द सेकेंड वन इज द ओलिगोपोली, ठीक है। हम उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और एक आपका रहता है मोनोपोलिस्टिक, एक मोनोपोली और एक ओलिगोपोली, ठीक है। तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बिकॉज मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक थोड़ा सेम से लगते हैं। सो लेट डिस्कस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इट्स अ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफरिंग हेटरोजेनस प्रोडक्ट फॉर सेल टू द बायर्स। इट्स अ कॉमन डेफिनेशन जो अभी तक हमने देखी, ठीक है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, करेक्ट। परफेक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट्स में परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, हर एक का टाइप क्वालिटी अलग है। एंट्री एग्जिट का आपको बहुत ध्यान रखना है कि एंट्री एग्जिट इसमें इजी है। प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है। अंडर मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव द मच कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द मार्केट। अगर वो प्राइस हाई कर देगा तो वो दूसरे उसके सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट को लेकर परचेज कर सकता है, राइट। तो एक क्लियर मोनोपोलिस्टिक। देन नेक्स्ट इज द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली इज इट्स अगेन अ टाइप ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर देर आर फ्यू सेलिंग डीलर्स आइदर होमोजेनस और हेट्रोजेनस प्रोडक्ट्स, ठीक है। बट यहाँ पे जो डीलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं वो थोड़े कम हैं, ठीक है। वो कम है इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस वन विच यू स्टडीड, ठीक है।
इसमें अगर हम बात करें, इट्स एंट्री ऑफ द इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्यू सेलर्स, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग. प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है. इम्पीडेंस इज इन एंट्री, ठीक है. यहाँ इस मार्केट में कोई इजीली एंट्री या एग्जिट नहीं कर सकता. व्हाई? बिकॉज सेलर्स आपके कम है, तो सबको एक दूसरे के बारे में पता है, सबको एक ग्रुप बना हुआ है, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू जस्ट एंटर वेरी इजीली टू दिस मार्केट. एनहांस रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट का भी इसमें रोल रहता है, ठीक है. बिकॉज नंबर ऑफ जब सेलर्स आपके कम है तो प्राइस वाइन फैक्टर्स अगेन इट गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वॉल्व. म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, सब अपना अपना काम देख रहे हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइस रिजिडिटी, प्राइस आपका रिजिड रहेगा. अगर कोई प्राइस कम करता है देन जो उसके कंपिटिटर्स है वो भी रिड्यूस कर देंगे, जो जिससे आपका प्रॉफिट कम होगा. अगर आप प्राइस हाई कर देंगे तो वो बायर के लिए लॉस होगा, तो वो दूसरे को प्रेफर कर सकता है. सो एक प्राइस आपको फिक्स रखना पड़ता है, राइट. इसमें कार्टर मॉडल है. जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कार्टर मॉडल होता क्या है. सो इट्स अ स्पेशल केस जहाँ पे जो राइवल फर्म्स है वो एक साथ मिलकर के कार्टल बनाती है ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट. इट्स सिंपल के आप इंडिविजुअल ना लड़के आप एक साथ मिलकर के काम करो, चाहे आप राइवल हो बट आप किसी थर्ड पार्टी या किसी और को आप मत आने दो, ठीक है. जैसे हम सब डिसाइड करें कि ठीक है आप अपना रीजन देखेंगे, हम अपना रीजन देखेंगे, एंड वी आर मेकिंग द फिक्स के ठीक है वी विल चार्ज 100 रुपीज और 500 bucks फॉर दिस, ठीक है. तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे आपकी प्राइसिंग फिक्स होती है, मार्केट शेयर होता है, वो सारे फीचर्स रहते हैं. एंड इट्स सिंपली अ सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ द राइवल कंपनी. देन नेक्स्ट कम्स एज द मोनोपोली. मोनोपोली की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रहता है. इसके अगर फीचर्स की हम बात करें या मोनोपोली की बात करें तो यहाँ पे आपका सिंगल सेलर है. अभी आपने जो मोनोपोलिस्टिक देखा वहां पे मल्टीपल है, खूब सारे हैं, मैनी लार्ज. ऑलिगोपोली में कम है एंड मोनोपोली में आपका सिर्फ एक ही है, ठीक है, जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करेगा. सो एग्जिस्टेंस ऑफ द सिंगल सेलर, एब्सेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बैरियर इन एंट्री, ऑब्वियसली कोई आपको इजीली एंटर नहीं करने देगा, रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो यहाँ पे जो है यहाँ वो खुद से डिसाइड कर सकता है कि मुझे कितना प्राइस रखना है. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें सो दैट डिफाइंड बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी, बेस्ड ऑन द पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और मे बी द यूटिलिटी बेस्ड. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. देन नेक्स्ट कम्स एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. These are not much important topics, that's why I'm not going into in details. So profit maximization, it's a process of the long term or short term to identify the best manner to just increase the profits. Profit is simply क्या होता है आपका sale minus purchase. It's simply the revenue minus cost. ठीक है, आपने जितना sale किया minus आपने जितना आपकी लागत आई या input आया. So output minus input is simply like 10 रुपए की चीज मैंने 20 रुपए में बेची या 50 रुपए में बेची, तो my profit is 40 rupees, right? प्रॉफिट मार्जिन आपका शॉर्ट टर्म में भी होता है, लॉन्ग रन में भी होता है, अगेन उसमें भी आपका परफेक्ट इनपरफेक्ट कंपटीशन रहता है, ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स इज द मेजरमेंट ऑफ द मार्केट पावर. सो मार्केट पावर सिंपली वी कैन डिफाइन इट एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू जस्ट रेज द मार्केट प्राइस ओवर द मार्जिनल कॉस्ट टू अचीव द प्रॉफिट, ठीक है. मतलब वो किस लेवल तक अपना प्राइस बढ़ा सकता है टू जस्ट गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट, या फिर वी कैन से द डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवर द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन over a price and the output of the product, right? So, जिनका पूरा control रहता है, these are organization having total market power, that are the price makers, and those who are having very less control, जिनका कोई market power नहीं है, that are perfectly जो आपकी competitive होती है, that we call as the price takers, right? So, आपने दो चीज़ यहाँ पे देखी, one is the price makers and second one is the price takers. अगर हम बात करें तो पहले भी हम ये दोनों पॉइंट्स देख चुके हैं कि जहाँ पे हमने प्राइस मेकर और प्राइस टेकर के ऊपर बात करी थी. तो अगर सबसे पहला अगर हम देखें जहाँ परफेक्ट कंपटीशन था वहां पे देवर द प्राइस टेकर्स, राइट. देन नेक्स्ट कम्स एज द कंसंट्रेशन रेशियो. देयर इज वन कंसंट्रेशन रेशियो विच इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ मार्केट पावर इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द बिजनेस फर्म एंड विद द प्रोडक्ट साइज. तो इसमें आपका 4 firm कंसंट्रेशन लेवल रहता है, 8 firm कंसंट्रेशन रेशियो रहता है, जहाँ पे एक बेसिकली एक लॉजिक है कि जहाँ पे टॉप फर्म जो है वो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, 8 firm के अंदर आपकी 8 firms कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, सो आई एम नॉट गेटिंग इन टू डिटेल. कंसंट्रेशन आपका लो, मीडियम, हाई लेवल का होता है. देयर इज वन रेशियो विच इज HHI. That is Herfindahl and Hirschman index, ठीक है, to indicate the level of the competition. Normally इस पे question नहीं आता है, maybe एक आता है, but that's not much important. The next comes as the determinants of the market power. So
इट कम्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कंट्रोल ऑन द रॉ मटेरियल एंड कस्टमर लॉयल्टी. सो दीज आर द सर्टेन डिटरमिनेंट्स. सो दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इन डिटेल ऑफ दिस स्लाइड्स. प्रीवियस स्लाइड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड इट्स बेटर यू जस्ट फोकस ऑन दैट पार्ट बिकॉज दैट कंट्रीब्यूट अ मेजर पार्ट और मेजर कंट्रीब्यूशन इन द एग्जामिनेशन. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी इशू जस्ट फील फ्री टू जस्ट कनेक्ट टू मी एट ngsca.mba@gmail.com. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक डू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज. थैंक यू सो मच.